दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग का YouTube पर चैनल हो और बहुत सारे लोग जो है YouTube पर चैनल बनाना चाहते हैं और वहाँ पर वीडियोज अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन जो नए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं यानी कि YouTube पर आना चाहते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है कि YouTube पर जो है किस तरीके से वीडियोज अपलोड की जाए, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए आप लोग एंड तक देख लेते हैं सब कुछ। आज की इस वीडियो में हम विद आपको लाइव प्रूफ यानी कि अपलोड करके वीडियो सारी चीज़ दिखाएंगे, कैसे क्या प्रोसेस होता है अपलोड करने का और उसको कैसे जो है पब्लिक करना चाहिए ताकि लोग आपकी वीडियोज को देख। बस आप लोग आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम जो है आपको वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस बताने वाले हैं, साथ ही साथ जो है लाइव प्रूफ अभी फोन रखे हैं हम, अभी वीडियो अपलोड करके भी आपको दिखाएंगे। तो उसके पहले आपको बता दें, वीडियो अपलोड करने के दो तरीके होते हैं कि वहां से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्या होता है, जैसे आप वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो अपलोड करने का, तो वहां से भी आप जो है डायरेक्टली वीडियो अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको एक ऑप्शन और मिलता है जहां से जो है बहुत सारी जो है बेनिफिट्स आपको वहां से मिलते हैं जो आप वहां से वीडियो अपलोड करते हैं, वो होता है क्रोम ब्राउजर। दोस्तों, यदि आप क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं तो वहां से भी आप अपने वीडियोज को अपलोड कर सकते हैं और अभी हम बताएंगे कि आपको वहां से जो है वीडियो अपलोड करने के कौन कौन से फायदे भी होते हैं। अभी दोस्तों हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन की तरफ और सारा जो है प्रोसेस आपको वहां पर हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे फोन की स्क्रीन आपको यहां साइड में दिख रही होगी, अभी हमने जो है अपना क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ। आप भी जो है अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। देन आपको यहां पर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, YouTube सर्च करना है। तो देखिए, YouTube सर्च करने के बाद यहां पर इतना ऑप्शन आ गया, YouTube होम पेज आ गया है youtube.com। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देन क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो अब आप यहां पर आपको क्या करना है, साइड में देखिए आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, यहां पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप साइड पे चले जाएंगे, यानी कि आपका जो चैनल है वो आपका डेस्कटॉप मोड में जो है ओपन हो जाएगा। तो अभी डेस्कटॉप मोड में ओपन होने के बाद आप जैसे कि आपके जो चैनल का लोगो है यहां पर आपके शो कर रहा है, तो देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहां पर आपको सेटिंग में जाना है। तो यहां पर सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन कौन सा मिलता है, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर से ओपन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ से जैसे कि आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है लेकिन इसको क्लोज कर देना है। देन हम अभी पहुँच चुके हैं अपने जो है चैनल डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि हम तो यहीं से ओपन करते हैं, यदि आपको कोई और तरीका पता हो डैशबोर्ड ओपन करने का तो आप डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। बस आपको ये वाला पेज जो आपको दिख रहा है ये आना चाहिए बस। तो आप ये देख सकते हैं अभी हमारे सामने हमारे चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम वीडियो अपलोड भी करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे आपका जो चैनल का लोगो है उसके नीचे आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक जैसे ऊपर का तीर बना हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ऊपर तीर वाला, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो फाइल्स टू अपलोड, यानी कि आपको वो फाइल चूज करनी है यहाँ से जो आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम फाइल चूज कर लेते हैं फाइल में जाकर। तो जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहला वीडियो यहाँ पर हमारा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना वीडियो जाकर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं, तो ये हमारा जो है वीडियो अपलोड होने में लग गया है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है, तो यहाँ पर अपलोडिंग आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि यदि आप YouTube से डायरेक्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जैसे आप ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह पहले से लिख कर हमारा आ रहा है, वो चीज़ें यदि आप डायरेक्ट YouTube से अपलोड करते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। यदि आप क्रोम ब्राउजर से ओपन करते हैं और ऑलरेडी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह सेट करके रखा है, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ज़्यादा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड टैग्स वगैरह भी यदि आप पहले से ऑलरेडी सेट करके रखते हैं तो टैग्स वगैरह भी बहुत सारा लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट YouTube से वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ से ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सेट करके अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रखा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप प्लेलिस्ट वगैरह अपना प्लेलिस्ट बनाए तो यहाँ से प्लेलिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जाएंगे शो मोर पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि टैग वगैरह भी लगाकर अपना रखा हुआ है। उसके बाद वीडियो एलिमेंट में जाएंगे। उसके बाद वीडियो एलिमेंट में जाने के बाद यदि आप सबटाइटल्स लगाना चाहते हैं सबटाइटल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एंड स्क्रीन, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा अपने एंड स्क्रीन, यानी कि जो आपकी वीडियो चलती है उसके लास्ट में, यानी जब वीडियो एंड होने वाली होती है लगभग 20 सेकंड पहले आपकी एंड स्क्रीन आ जाती है। तो यहाँ से आप जो है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो भी एलिमेंट आप यहाँ से लगाना चाहें, जिस तरीके का लगाना चाहें वो चीज़ वहाँ पर शो करेगा। चलिए हम ये यहाँ से शो कर देते हैं। यदि यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गया है तो प्लेलिस्ट हम यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी है नहीं तो यहाँ से इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर से ऐड में जाते हैं और यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करके देन यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंड स्क्रीन जो है लग चुका है। उसके बाद
एंड ऐड कार्ड्स पर क्लिक करते हैं। जैसे कि वीडियो चलता है तो हम लोग बोलते हैं कि आप जो है वीडियो के ऊपर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर कॉर्नर में ये शो होता है। तो कार्ड्स यहाँ से हम वीडियो सेलेक्ट कर देते हैं, जितना भी वीडियो आप लगाना चाहें कार्ड्स में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक ही लगाया है, तो एक हम यहाँ से लगा देते हैं। देन अभी देख सकते हैं अपलोडिंग, तो अपलोडिंग के बाद यहाँ पर अपलोडिंग हो चुकी है। उसके बाद चेक्स में आपको पता है कि YouTube के द्वारा चेक किया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है कि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट इशू तो कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी में जाएंगे तो आपके सामने इतना सारा ऑप्शन आएगा। जैसे कि यदि आप अपनी वीडियो को प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कर सकते हैं। उसके बाद अनलिस्टेड करना चाहते हैं तो अनलिस्टेड, उसके बाद पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है शेड्यूल का, यानी कि यदि आप अपनी वीडियो को शेड्यूल करना चाहते हैं, मान लीजिए आज आपने अपनी वीडियो अपलोड की और 4-5 दिन के बाद उसे पब्लिक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फ़ोन चाहे स्विच ऑफ रहे चाहे जो कुछ भी रहे, बस आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी जो टाइम आपने सेट करके रखा है। लेकिन हम ज़्यादातर अपनी वीडियोज को जो है यहाँ पर अनलिस्टेड करके उसके बाद जब हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है तो यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस देख लिया। अब वीडियो तो जैसे आपकी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप अनलिस्टेड में अपने वीडियो को रखिएगा, उसके बाद देन यहाँ पर सेव करके रख दीजिएगा। अब दोस्तों हम इसके बाद बताते हैं कि आपको क्या प्रोसेस करना होगा। आप लोग को बताइए कि जो है YouTube पर जो होता है सारा चीज़ मैनेज करने के लिए आपका YT स्टूडियो होता है, तो आप YT स्टूडियो अपना ओपन करिएगा। देन आप वो वीडियो जो आपने अपलोड की है उसको जो है ओपन करेंगे, तो सारा चीज़ें जैसे टैग लगाना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखना या फिर आपका टाइटल लिखना, थंबनेल लिखना, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। यदि आपने जो है उसके बारे में आपको नहीं पता है कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर जाएंगे, वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर हमने हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस हमने यहाँ पर आपको विद प्रैक्टिकल यानी कि लाइव प्रूफ आपको दिखाया, कैसे वीडियो अपलोड होता है सारा प्रोसेस हमने आपको दिखाया। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपका कोई और डाउट होता है तो वो भी आप हमें कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। तो यदि हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।